किसान भाइयों, आप भी चाहते हैं 25 जुलाई से पहले ऐसी दो सब्जियों को लगाना जो बाजार में अच्छा मार्केट दे, अच्छा भाव दे, और अच्छा भाव के साथ साथ इसका जो उपज है वो भी काफ़ी अच्छा हो, तो आप सही वीडियो में आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे बात बता दें दोस्तों कि ये जो दो फसल है वो पूरे साल भले ही इसका भाव अच्छा रहे ना हो, लेकिन साल में कुछ महीना ऐसे होते हैं, कुछ चुनिंदा महीना ऐसा होता है जिसमें इन फसलों का भाव ज़्यादा ही मतलब तेज रहता है, ज़्यादा ही ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों सबसे बात बता दें कि कोई भी अगर कोई भी किसान सब्जी की खेती करता है या कोई भी किसान कोई भी फसल लगाता है तो वो सबसे पहले सोचता है मार्केट में भाव कैसा रहेगा। मार्केट में भाव के अनुसार ही दोस्तों वो कोई भी फसल लगाता है। और कुछ किसान ऐसे होते हैं कि कोई भी महीना में कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे कोई भी फसल लगा दिए और कोई भी महीने में जैसे मार्केट और फसल में तालमेल नहीं बैठता है, और तालमेल ना बैठने से क्या होता है दोस्तों कि फसल हमारा जो अच्छा पैसा देने वाला होता है वो भी अच्छा पैसा नहीं देता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो सब्जियों के बारे में जो 25 जुलाई से पहले लगा दिए और अगेती खेती कर दिए, तो मुश्किल से मुश्किल हमको 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपये का इनकम आसानी से हो जाएगा। इतना इनकम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली जो हमारा फसल है वो है फूलगोभी। बुवाई कैसे करें, किस विधि से करें, कौन सा बीज लगाए, कौन सा क्यारी लगाए, कैसे मतलब नर्सरी बनाए, कौन सा बीज लें, इसके बारे में सभी हम, और कौन सा खाद उर्वरक डालें, खेत की तैयारी करें कैसे करें, इसके बारे में फूलगोभी की खेती के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। जो हमारा दूसरा फसल हो जाएगा, चुनिंदा फसल हो जाएगा, वो करेला हो जाएगा। करेला में दोस्तों चूहा करेला हम ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और लाखों का अर्निंग हम इससे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो इंटरक्रॉपिंग कैसे करें, जो करेला है और जो हमारा फूलगोभी है इसको इंटरक्रॉपिंग करके और तालमेल बैठा के एक ही खेत से दोनों फसल को कैसे लें और किस विधि से लें, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि फूलगोभी की नर्सरी लगाएंगे। फूलगोभी की नर्सरी ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ पर जल जमाव ना हो, जल निकास हो। जो बारिश बरसात का मौसम चल रहा है अभी, अगर हम नर्सरी लगाते हैं दोस्तों तो जो हमारा फसल है वो 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। और हम ऐसे जगह पर नर्सरी लगाएंगे जहाँ पर दोस्तों क्या होगा, नर्सरी लगाने के बाद से वहाँ पे जल जमाव ना हो, मतलब बारिश के पानी वहाँ पे लगे नहीं तो हमारा जो बारिश के पानी से जो नर्सरी है वो पूरा ख़राब हो सकता है। अब दोस्तों बता दें कि नर्सरी को बचाने के लिए हम मतलब कौन सा फसल का स्प्रे करें, कौन सा मतलब फोलियर स्प्रे करें जिससे हमारा नर्सरी बच जाए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों कि हम खेत की तैयारी पर लग जाएंगे अपना नर्सरी लगा के। अब खेत की तैयारी में क्या करेंगे, जुताई करेंगे और वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देंगे। ये तो दोस्तों ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक में जैसे हम वर्मी कंपोस्ट डाल दिए, देसी खाद डाल दिए, खेत में जितना अच्छा जान रहेगा दोस्तों, जितना ज़्यादा उर्वरा क्षमता खेत के अंदर रहेगा उतना ही अच्छा हम लोग का फसल रहेगा। तो 100 से 200 कुंटल गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, और जो मतलब लगे हम लोगों को कि मतलब ज़्यादा ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद से अगर हम लोग को लगता है तो जैविक खाद को हम क्या करेंगे अपने खेत में डाल देंगे। और खेत को डालने के बाद से खेत की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद से हम क्यारी बनाना मतलब शुरू कर देंगे। दोस्तों क्यारी बनाना चाहिए, क्यारी की जो लंबाई हो दोस्तों वो क्या हो, 10 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम क्यारी बनाएंगे उस क्यारी की जो लंबाई हो वो 10 फुट से ज़्यादा ना हो, और जो उसकी चौड़ाई हो वो 5 फुट से ज़्यादा ना हो। काली और चिकनी जो मिट्टी होता है दोस्तों, हम लोग के जो है जैसे होता है कि बहुत जगह पर काली और चिकनी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे भूमि पर क्या करेंगे कि भूमि से एक फुट ऊपर जो है हम मेड़ बना लेंगे, और उस मेड़ पे हम क्या करेंगे, फसल की बुआई करेंगे। एक फीट ऊंचा जब हम मेड़ बनाते हैं, और मेड़ बनाने के बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, उस पे बुआई करेंगे। अब दोस्तों बात आता है कि अगर बारिश का मौसम है और हम जो नर्सरी है वो मतलब भूमि पे तैयार नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रोट्रे आता है दोस्तों, प्रोट्रे हम ले लेंगे, और प्रोट्रे आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान पे, और प्रोट्रे को लाएंगे, और प्रोट्रे को लाने के बाद से क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे अपना जो है मतलब नर्सरी तैयार करेंगे। प्रोट्रे को पहले वर्मी कंपोस्ट खाद से, देसी खाद से पूरे प्रोट्रे को हल्का सा मिट्टी में मिला के
पोटैटो पूरा लेवल करके उसमें भर देंगे। उसमें भरने के बाद से हर एक एक छिद्र में हम क्या करेंगे, एक एक बीज को डालेंगे, जिससे क्या होगा हमारा बीज अच्छे से उसमें क्या होगा पोटैटो में जर्मिनेट होगा। और पोटैटो में और एक बात होता है दोस्तों कि अगर पोटैटो में हम नर्सरी लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा हम लोग का ग्रोथ भी होता है और काफ़ी जल्दी नर्सरी तैयार भी हो जाता है। अब क्या करेंगे कि बीज सबसे बढ़िया बरसात वाले मौसम में हम कैसे मतलब कैसे पता लगेगा दोस्तों नर्सरी लगाना है और कौन सा बीज लगाएं ये हमको कैसे पता लगेगा, तो इसको पता लगाने का मेन अच्छा जो टेक्निक है वो क्या होता है दोस्तों कि हम अपने आसपास किसान भाई जो भी अभी खेती कर रहे हैं, अगर आप खेती में न हैं तो उनसे पता कर लेंगे कि अभी जो बरसात में सबसे जो अच्छा बीज होता है इस मतलब हम लोग के साइड जो अच्छा बीज बरसात के टाइम लगता है वो कौन सा है। और उसके बाद से जो उन लोगों को नहीं पता रहेगा तो जो हम लोग का साइंटिफिक जो बीज होता है, साइंटिफिक बीज जो हम लोगों का है हाइब्रिड बीज है वो क्या है दोस्तों, सिंजेंडा का ये बीज आता है CFL 1522। ये जो बीज है सिंजेंडा का आता है, सिंजेंडा कंपनी का CFL 1522। फिर सिंचाई करें और खेत में, और सिंचाई करने के बाद से इसको हम मतलब क्या करेंगे नर्सरी में लगा देंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में कि अब हम खेत में कौन कौन सा खाद रासायनिक डालेंगे, कौन कौन सा और मतलब ऑर्गेनिक और कौन कौन सा इनऑर्गेनिक खाद का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम बात करेंगे सावधानी के बारे में। अगर हम फूलगोभी की खेती करते हैं तो हम कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे और सावधानी क्या क्या रखेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सावधानी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। जो सावधानी में आ जाएगा बरसात का पानी दोस्तों, हम जो खेत में अगर फूलगोभी लगा रहे हैं उस खेत में बरसात का पानी न लगे, पानी लगे भी तो हम लोग का जो जमीन है उसमें मेड़ काफ़ी ऊंचा बना दें अगर जल वाला स्थान है, ताकि जब हम जल वाले स्थान में अगर हम ऊंचा मेड़ बनाते हैं तो हम लोग का जो पानी है वो ज़्यादा हम लोग के फसल तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हमारे फसल में पानी लग जाता है तो गलन रोग और सड़न रोग बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग का जो गोभी है उसमें गलन रोग सबसे ज़्यादा और भयानक माना जाता है। उसके बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके सावधानी रखने के बाद से हम क्या करेंगे खेत की अच्छे से जुताई करेंगे। खेत की अच्छे से जुताई करने के बाद से जब हम लास्ट जुताई करने वाले रहेंगे उसके पहले हम क्या करेंगे देसी खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे और उसके बाद से रासायनिक उर्वरक डालेंगे। और रासायनिक उर्वरक में आप क्या डालेंगे दोस्तों, एक पैकेट जो होता है एक बोरी हम लोग DAP डालेंगे और एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे, 30 kg उसमें यूरिया भी मिला देंगे और 3 kg सल्फर और 35 kg पोटाश और 3 से 5 kg जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे दोस्तों। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने के बाद से 5 kg इंसेक्टिसाइड जो मतलब इंसेक्टिसाइड जो पूरे खेत में आता है दवा उसको हम डालेंगे। और पूरे खेत में इसको डालने के बाद से हम क्या करेंगे आखिरी खेत की जुताई कर देंगे। और जुताई करने के बाद से अब दोस्तों हम फूलगोभी की बुआई कैसे करेंगे, और पहले हम खेत को पूरे अच्छे से पाटा चला के समतल करेंगे। समतल करने के बाद से हम जो हम कृषि यंत्र का जो आता है ट्रैक्टर के माध्यम से हम उसमें मेड़ बना लेंगे। और मेड़ अगर कृषि यंत्र से नहीं बनाना चाहते हैं, हम अगर हाथ से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, हम मेड़ बना लेंगे। और कौन सी विधि से करेंगे, मेड़ निकालना मतलब बहुत ही ज़्यादा मेड़ निकालना, अगर हम लोग को मतलब लगता है कि मेड़ निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन है तो एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी है 2 फुट रखना चाहिए दोस्तों। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी होती है दोस्तों वो 2 फीट की दूरी रखना चाहिए। और तुरंत सिंचाई मतलब अब जैसे ही मेड़ लगाएं और मेड़ लगाने के बाद से जब हम फसल लगा दिए अपने खेत में तो फसल लगाने के बाद से हम क्या करेंगे तुरंत सिंचाई करेंगे। अब तुरंत सिंचाई करेंगे जिससे हमारा फसल जो है मतलब अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर पानी का कमी होगा तो फसल सूख भी सकता है, तो गोभी का फसल खेत में लगाने के बाद से हम क्या करेंगे सिंचाई करेंगे। अब बात आता है दोस्तों करेले की। अब इसी खेत में हम क्या करेंगे करेले की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। खेत के जो हमारा चारों जो पूरा मेड़ है खेत के चारों तरफ उसमें हम क्या करेंगे बांस को लगा देंगे। और खेत में बांस को लगाने के बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, एक फसल से दूसरे फसल की जो करेला है एक फसल से दूसरे फसल की दूरी 2 फुट रखेंगे और पूरे खेत में चारों तरफ जो है हम करेला लगा देंगे। और करेला लगाने के बाद से बांस में एक हल्का सा रस्सी दौड़ा देंगे और करेला को हम बांस के सहारे रस्सी तक पहुंचाएंगे। और बीच बीच में जो हमारा पूरा फसल है उसके बीच बीच में हम बांस लगा के और एक एक फसल लगा देंगे। उसके बाद से जो हमारा फसल है वो बांस के सहारे इंटरक्रॉपिंग मेथड से हम क्या करेंगे उसको हम खेत से काफ़ी ऊपर तक ले जाएंगे। ऊपर तक ले जाने के बाद से ऊपर हम लोग का करेला रहेगा और नीचे फूलगोभी रख सकता है और कोई भी फसल हम रख सकते हैं। तो ये इंटरक्रॉपिंग का मेथड होता है दोस्तों।
अब बात आता है दोस्तों कि करेला हम लगा देंगे तो नीचे जो हमारा जो फूल गोभी है जो हमारा उसमें तो धूप लगेगा नहीं, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि धूप अगर फसल को हमको देना है और करेला भी लेना है तो हमको खेत के चारों तरफ जो मेड़ है, जो मेन मेड़ है खेत के चारों तरफ, उसमें हमको करेला लगाना है। करेला भी अच्छा हम लोग का उपज निकल जाएगा और फूल गोभी भी इससे, तो ये इंटरक्रॉपिंग का बहुत ही बेमिसाल मेथड है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय जवान जय किसान दोस्तों।